सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। शाहपुर गणेशगंज रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल में भाग लिया, लेकिन गणेशगंज में पदस्थ रेलवे कर्मचारियों की खास बात यह रही कि सभी कर्मचारियों ने पहले दिन भर पहले ईमानदारी से काम किया, फिर ड्यूटी खत्म होने के बाद शाम को रेलवे के निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार और रेल मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला। कर्मचारियों की मांग है कि रेलवे का निजीकरण ना किया जाए एवं नई पेंशन स्कीम बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए। हड़ताल में रेलवे के सभी विभागों के कर्मचारियों ने कुमार तुलसी के नेतृत्व में तबरेज खान, लक्ष्मण कुमार, गोविंद साहू, उदय, रामवीर गुज्जर, सुनील मीना, अनिल मीना, हरिओम, इरफान, ईश्वर प्रसाद, राम कुमार, रविंदर मीना, मनकेश, मदन, उमेश यादव, जितेंद्र वर्मा, संतोष कुशवाहा, मनीष के साथ स्टेशन प्रबंधक अशोक मीना शामिल हुए। सागर से रोहित अहिरवार की रिपोर्ट। किस संबंध में आप लोगों की हड़ताल आज इकट्ठी हुई आप लोग? हाँ, हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि आज पूरे भारतीय रेलवे में ना जान के पूरा जितने भी केंद्रीय संगठन है, 8 केंद्रीय संगठन है जो विरोध प्रदर्शन में तरह तरह से कर रहे हैं। चूंकि हम लोग को रेस्ट और छुट्टी और जितने प्रकार के हो सकते हैं कि हम लोग को दबाने के लिए कोशिश किया गया कि हम अपनी आवाज़ को आगे जाकर हड़ताल में शामिल ना हो, तो हमने ने सोचा कि क्यों ना हम लोग पूरे ड्यूटी के साथ पहले अपनी ईमानदारी से रेल सेवा करें, उसके बाद हम लोग एक शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को कॉन्शस करें कि आज सरकार हम लोग के साथ कैसा रवैया करने वाली है। एक तरह से सरकार बोलती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, दूसरी तरफ से सरकार कॉरपोरेट को हाथों से पूरे भारतीय रेलवे अभी 150 ट्रेनें और 50 स्टेशन दोनों प्राइवेटाइजेशन के हाथों में देना, यानी कि हमारी नौकरी कल को कहां जाएगी। प्लस पीछे से रास्ते से 15% हर एक साल कर्मचारियों को निकालने का आदेश जारी कर दिया गया है, तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। और हमें लगता है कि मौजूदा समय में यदि अगर हम लोग कॉन्शस नहीं हुए, जागरूक नहीं हुए, तो हम ना रेल को बचा पाएंगे, वही हाल होगा जैसे आज BSNL का हो रहा है, एयर इंडिया का हो रहा है। BSNL में अभी 6 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, सालों सालों भर उसके परिवार वाले बिलख रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि BSNL घाटे पे जा रही है। एक्चुअल में सरकार चाहती क्या है? सरकार सबसे पहले जिसको बेचना चाहती है उसको बदनाम करती है। आज भारतीय रेलवे को खुद रेल मंत्री सामने से आकर बोलते हैं कि हमारा जो है सबसे ज्यादा रेलवे में घाटा हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हम रेल कर्मचारियों को पेंशन और तनख्वाह देते हैं। तो ये मैसेज क्या था? क्या रेल मंत्री नहीं जानते हैं? अभी एक विज्ञापन आया था रेल मंत्री का कि पूरे देश भर में 2019 में एक भी यात्री का मौत नहीं हुआ, यानी कि एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन रेल मंत्री भूल जाते हैं कि न जाने कि ये ट्रैकमैन हमारा, हम सभी यहाँ ट्रैकमैन है, डेली कहीं न कहीं इंडियन रेलवे में ट्रैकमैन हमारा रन ओवर हो रहा है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाही अफसरों की होती है और उसमें भारतीय बहुत ज्यादा मानसिक तनाव होते हैं, उसके वजह से लोग आज रन ओवर आ रहे हैं। हम अभी आंकड़ा अभी हमने RTI लगाया था कि बताओ कि इंडियन रेलवे में कितने साल भर में होते हैं रन ओवर। यकीन मानिए RTI देने से इंडियन रेलवे ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कितने लोग रन ओवर होते हैं। हम एक दावा कहते हैं आपको कि जितने बॉर्डर पे भारतीय सैनिक शहीद नहीं होते हैं उतने ज्यादा हमारे रेल सेवा रेल कर्मचारी और ज्यादातर ट्रैकमैन। क्या भाई, बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। आए दिन व्हाट्सएप खोलो कहीं ना कहीं से रन ओवर हो रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को जागरूक करने के एक थोड़ा सा माध्यम है। दूसरी बात, सबसे पहले सरकार यूनियन दोनों जो मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन है उसी को खत्म करने के लिए चक्कर में लगा हुआ है। इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि जब कर्मचारी नहीं रहेगा तो यूनियन कहाँ रहेगी। तो भारत सरकार के जो मंशा है उसके लिए लोगों को हम जागरूक करने यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि आप समझें। अगर आज 8 तारीख था, आज चेतावनी भरा एक हड़ताल हुआ है पूरे देश भर में और ना जाने सिर्फ इंडियन रेलवे से नहीं, तमाम बैंक कर्मचारी, अलग अलग फील्ड से कर्मचारी ने आज विरोध प्रदर्शन किया है।